हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में हमारी सेफ्टी जो है सेफ्टी टॉपिक लेके चलेंगे कि किस तरीके से हम सेफ होके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की रिपेयरिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिपेयरिंग कर रहे हैं वो अकेले ही अपने लैब में या अपनी वर्कशॉप में रिपेयरिंग करते हैं और रात में भी वो लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं और उनके पास कोई दूसरा नहीं होता है उस समय। तो अगर किसी भी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक के संपर्क में आते हैं तो हमें हमारी जो लाइफ है वो खतरे में रहती है। हमेशा हम लोग खतरे में काम करते हैं। अगर हम अकेले हैं तो ये खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में हम सेफली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की रिपेयरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए एक इक्विपमेंट मैंने बनाया है और मैं उसको आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे उसको बनाएंगे। आप उसका यूज करिए और मैं सोचता हूं कि आप उसका अगर यूज करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप कम से कम 99% आप सेफ रहेंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे और इसका हम कैसे उपयोग करेंगे ये मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। और वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपना जीरो लैब का एक और कोर सपोर्टिंग चैनल है उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे भी मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और आपके कमेंट्स की रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा वहां पे वीडियो के माध्यम से। तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस कैसे बनाएंगे इसके लिए मैं आपको बताता हूं। मेन चीज है इसमें, जो मेन टॉपिक है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, आइसोलेशन से संबंधित मैंने वीडियो डाला था, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड पावर सप्लाई में। तो इसमें हम एक पावर सप्लाई बनाएंगे जो कि हमारी मेन्स से आइसोलेटेड होगी। मेन्स से आइसोलेटेड का मतलब यह हो गया कि अगर हम उसके वायर को टच भी करें तो भी हमें करंट नहीं लगेगा। और हालांकि वो जो सप्लाई निकलेगी वहां पे, जो दो तार निकलेंगे वो हमारे 220 वोल्ट उनमें सप्लाई एसी सप्लाई निकलेगी, लेकिन उसका तार टच करने पर हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज जो है, इससे हम अपने जो सर्किट है, एसएमपीएस सर्किट हो गए, जैसे एलईडी ड्राइवर के सर्किट हो गए, इनको हम जब भी टेस्ट करते हैं, एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग कर रहे हैं उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो बाय द वे अगर हमारा जो बॉडी है अगर संपर्क में आ जाता है तो हमको शॉक लगने का डर नहीं रहेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप ये जो डिवाइस है ये डिवाइस आप बना लीजिए, इसके बाद ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करिए। इससे क्या होगा कि आप सेफ रहेंगे। तो चलिए इस डिवाइस को बनाने का मैं प्रोसेस बताऊंगा। सिंपल सा प्रोसेस है, मैं ज्यादा क्रिटिकल नहीं करूंगा वीडियो को कि आपको समझ में ना आए। तो यहां पर मैंने ये दो ट्रांसफार्मर लिए हुए हैं, ये हमारे 012 के ट्रांसफार्मर है। तो चलिए इनको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से है ट्रांसफार्मर। तो मैंने इनको ऑलरेडी खोल रखा है, इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारे कुछ इस तरीके के ट्रांसफार्मर है। और मैं दोनों को आपको दिखा देता हूं कि यहां पे आप देख पाएंगे कि ये हमारे पास दो ट्रांसफार्मर है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारे 1.5 एम्पियर यानी 1.5 एम्पियर और 12 वोल्ट के हैं। यहां पे हमारे इन ट्रांसफार्मर्स में आप देखेंगे कि दो ये हमारे प्राइमरी बाइंडिंग के वायर और दो सेकेंडरी बाइंडिंग के, यानी यहां पे हमारा जो 12 वोल्ट है वो आउटपुट होता है, ये हमारे एसी मेन सप्लाई में लगते हैं। इसी तरीके से सेम जो ट्रांसफार्मर है ये भी है, आपको ध्यान देना है ट्रांसफार्मर जो आप दोनों लेंगे वो सेम होने चाहिए और लोड के हिसाब से आप ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर के एम्पियर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 3 एम्पियर या 5 एम्पियर के ट्रांसफार्मर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एलईडी बल्ब या स्मॉल एसएमपीएस सर्किट रिपेयर करते हैं तो आप 3 एम्पियर से ज्यादा का मत लीजिए, कॉस्टली पड़ेगा और आपको यूज भी नहीं आएगा उसका इतना अच्छा। तो यहां पे आपको करना क्या है, दोनों ट्रांसफार्मर है हमारे पास, दो ट्रांसफार्मर है और दोनों में मैं आपको दिखा देता हूं, दोनों में आप देखेंगे ये हमारे रेड वायर्स जो हैं ये मेन सप्लाई में लगते हैं और इस तरफ हमें 12 वोल्ट मिलता है। तो इसमें हमें करना क्या है कि इसके जो रेड वायर्स हैं ये हमारे रेड एक साइड हो गया और इस साइड रेड, ये हमारे ब्लू और ब्लू वायर्स हैं जो कि हमारे दोनों ही ट्रांसफार्मर के आउटपुट के वायर्स हैं और ये मेन्स के वायर हैं। तो ये मेन सप्लाई हम अलग कर देते हैं, जो हमारे इसके आउटपुट के वायर्स हैं दोनों ट्रांसफार्मर के, आप देखेंगे कि दो वायर इसमें है दो इसमें है, इनको हमें क्या करना है आपस में कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे ये जो दो वायर्स हैं इनको भी आपस में कनेक्ट कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसको आप अच्छे से टेप कर सकते हैं, इसको आप टेप कर लीजिए। अब आपका क्या है कि यहां पे दो वायर्स आपको मिल गए और दो वायर्स यहां पे मिल गए, इस तरीके से आपके जो टोटल वायर्स हैं यहां पे 4 वायर्स आपके हैं। किन्हीं भी इनपे या इनपे किन्हीं पे भी मेंस की सप्लाई आप दे देंगे तो यहां पे जो आपको सप्लाई मिलेगी ये 220 वोल्ट जो हमारी मेंस में आ रही है वही सप्लाई यहां पे मिलेगी। उससे थोड़ा सा 5-10 वोल्ट कम हो सकता है, इससे ज्यादा कम नहीं होगा, सेम वोल्टेज आपको मिलेगा यहां पे। और इसमें आप कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं, एसएमपीएस सर्किट टेस्ट कर सकते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है जो एसएमपीएस पे डिपेंड है, एसएमपीएस पावर सप्लाई है, उसको आप इससे आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसको आपको अगर एक हाथ से आपने इसको टच भी कर दिया और आप ग्राउंड के संपर्क में हैं, आपके पैर जमीन में रखे हुए हैं, फिर भी आपको करंट नहीं लगेगा। तो चलिए इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं यहां पे। तो ये मेरे मेन्स के वायर हैं, इनको पहले हम कनेक्ट कर देते हैं फिर मेन सप्लाई हम इनमें देंगे। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये मैंने एक वायर जो है इसका कनेक्ट कर दिया है, दूसरा वायर जो है इसको हम कनेक्ट कर देंगे।
ये जो पूरा जो हमारा डिवाइस बनेगा, इस डिवाइस को हमें प्रॉपरली एक बॉक्स में पैक करना है और सारा कुछ इसमें हमें करना है। यहाँ पे हमें जो इनपुट है इसमें हमें एक फ्यूज भी देना है और इस तरीके से आपको पूरी सेफ्टी रखनी है। मैं आगे अपलोड कर दूंगा वीडियो, हालांकि मैं ये क्योंकि जल्दी में हूं तो मैं इस वीडियो को ऐसे ही अपलोड कर दे रहा हूं और आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। तो यहां पे मैंने जो है इनके कनेक्शन कर दिए हैं इस तरफ, और इस तरफ जो हमारी सप्लाई आएगी, अब जब हम इसको मेंस से चालू करेंगे तो यहां पे सप्लाई जो हमें मिलेगी वो 220 वोल्ट मिलेगी, जो हमारी मेंस में इनपुट हो रही है। और मैं आपको इसको टच करके दिखाऊंगा कि मैं इसको टच करूंगा एक वायर कोई भी वायर तो, और ग्राउंड के संपर्क में भी अपने को रखूंगा, फिर भी मुझे करंट नहीं लगेगा। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो यहां पे जो मैंने सप्लाई है इसकी दे दी है और ये मेरा एक वायर है, मैं इसको टच किया हूं। मेरे पैर इस समय जमीन में है, मैं बिल्कुल ग्राउंड के संपर्क में हूं, लेकिन मुझे करंट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यहां पे आइसोलेशन है, पृथक्करण है, एक दूसरे के साथ जो बाइंडिंग्स है बिल्कुल सेपरेट है, तो मुझे यहां करंट नहीं लगेगा। जबकि यहां पे सप्लाई आ रही है, यहां पे सप्लाई जो है वो आ रही है। मैं आपको एक बल्ब जो है एलईडी बल्ब, मैं यहां आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि वो एलईडी बल्ब जो है हमारा ग्लो कर रहा है। तो ये एलईडी बल्ब है, इस एलईडी बल्ब को हम ग्लो करके देखेंगे। तो यहां पे मैं इसको इस तरीके से रख देता हूं और आपको यहां पे टेस्ट करके दिखाता हूं कि ये जो एलईडी बल्ब है ये हमारा ग्लो कर रहा है। तो कहने का मतलब इससे हम जो भी हमारे एसएमपी सर्किट है उनको रिपेयरिंग करने में हम ये सप्लाई का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहां पर आपको दोनों वायर अपने हाथों से नहीं टच करना है। बाय द वे, सेफ्टी का ध्यान बिल्कुल पहले जैसे रखना है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो रिपेयर करते थे जैसे पहले वैसे ही आप रिपेयर करेंगे। और बाय द वे, कभी गलती से अगर आपका बॉडी संपर्क में आ जाता है किसी एक वायर के तो आपको करंट नहीं लगेगा और आप सेफ रहेंगे। सेफ्टी जो है वो पहले जैसी ही रखनी है और ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। बाय द वे, आप भूल से एकदम से आप संपर्क में आ जाते हैं तो ये आपको सेफ रखेगा। तो यहां पर मैं इसको दोबारा से आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूं कि इससे हम कोई भी जो सर्किट है उसकी रिपेयरिंग करेंगे और सेफ रहेंगे, बिल्कुल ही सेफ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आ सकती। और अगर हम अकेले रिपेयर कर रहे हैं तो ये चीज जो है ये हमें काफी सेफ्टी देती है। यहां पे आइसोलेटेड है और आइसोलेटेड पावर सप्लाई से अगर हम काम कर रहे हैं रिपेयरिंग का तो हम सेफ रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ये डिवाइस जो है ये काफी यूजफुल रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए। ये वीडियो आप शेयर करिए, लाइक करिए या ना करिए, और मैं समझता हूं कि काफी यूजफुल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।